अगला जो साडा टॉपिक है दैट इज अबाउट सीओपी, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इतने हम समझते हैं पहला भी कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की चीज़ है। इट इज सेम एज लाइक द एफिशिएंसी इन द हीट इंजन्स। जिस तरह कि असं आईसी इंजन्स ने साडे एसआई इंजन्स ने उन्होंने असं एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हाँ कि आउटपुट बटा इनपुट, किन्नी आउटपुट मिलती है किन्ना इनपुट देन पे। उसी तरह ही एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन दे विच, एक एयर कंडीशनर दे विच, जदों असी उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी होवे तो उसनों असी आखते हैं दैट इज सीओपी, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसनों असी किस तरह कह सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज एक्सप्रेस बाय द टर्म कॉल्ड सीओपी। तो इसी तरह ही जिवें हुणी आपां डिस्कस कीता कि जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटिंग मशीन की उसनों असी एक्सप्रेस करते हैं दैट इज सीओपी दे नाल। सो इसनों अगर असी डिफाइन करना होवे तो इट इज़ न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन द इवेपोरेटर टू द वर्क इनपुट प्रोवाइडेड बाय द कंप्रेसर। कि जदों असी देखांगे अगे चल के समझांगे कि साडे कोल असी किवें किवें कम लेंदे हाँ रेफ्रिजरेटिंग मशीन तो उसदे विच देखांगे कि साडे कोल बेसिकली चार कंपोनेंट्स दे बारे गल हो रही है। तो उन्हां विचों असी इत्थे दो कंपोनेंट्स दे बारे गल कर रहे हैं, कंप्रेसर दे विच जिथे असी इनपुट दे रहे हैं और सैकेंड वन जिथे साडा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा उस जगह दे उत्ते। तां जिन्ना भी साडे कोल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पैदा होया इवेपोरेटर दे विच और जिन्ना असी इनपुट दिता कंप्रेसर दे थ्रू, उसनों अगर रेशियो दी फॉर्म दे विच लिखा जावे तां उत्थों जो साडे कोल नैट रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज सीओपी ऑफ द सिस्टम। तां इत्थे देखो साडे तुहानूं फॉर्मूले दे विच समझाया गया सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इट इज नोटेड बाय एन एंड डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट दैट इज बाय डब्ल्यू। कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है उन्होंने असी एन दे नाल ले लिया, वर्क इनपुट नूं असी डब्ल्यू दे नाल डिनोट किया और सीओपी नूं डिनोट कर रहे हैं असी के दे नाल। तो के इज इक्वल टू एन बाय डब्ल्यू, इसनों असी कैलकुलेट कर लिया दैट इज सीओपी। सीओपी तो इलावा साढ़े को एक होर छोटी टर्म आती है दैट इज रैलेटिव सीओपी। तो हम देखते हैं जी रैलेटिव सीओपी की चीज़ है। कि रैलेटिव सीओपी नूं अगर असी न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्चुअल सीओपी डिवाइडेड बाय थ्रोटिकल सीओपी। कि सपोज मैं इतने एक गल कर लेने हैं कि कुछ असी थ्रोटिकली कागजी कार्रवाई करते हुए कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज न फॉलो करते हुए मैं किसी रेफ्रिजरेटिंग मशीन का सीओपी कैलकुलेट किया, उस सीओपी असी काउंट करा दैट इज थ्रोटिकल सीओपी। और एक्चुअल दे विच मेरे को एक घर दे विच किसी पर्टिकुलर जगह दे उत्ते किसी वर्किंग कंडीशन दे विच एक रेफ्रिजरेटर है, मैं उस दी सीओपी कैलकुलेट की। तो दोनों नू जदों असी रेशियो दी फॉर्म दे विच लवांगे कि एक्चुअल दे विच उहदी सीओपी किन्नी आ रही है और थ्रोटिकली उहदी सीओपी किन्नी बनदी पई है, तो उस नू असी जदों डिवाइड करदे हां तां ओह टर्म सानू कहलाउंदी है दैट इज रैलेटिव सीओपी।